हाय स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस वन वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू के प्लस टू वैन एक्स इक्वल टू वन फॉर वॉट वॉट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन राइट तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ के फाइन करनी है की वैल्यू ऑफ के फाइन करनी है किसके हिसाब से की फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन है ओके तो हमें सबसे पहले दे दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू वन पे तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे उसकी जो ये कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू वन को देख लेते ठीक है तो यहाँ पे क्या है एफ ऑफ x इक्वल टू टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस वन वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन

वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ग्रेटर देन मतलब वो हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट राइट तो ये हमें मिल गई देन एक्स इज इक्वल टू वन के आगे कंटिन्यूस है तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वन सेंटर पे होगा एक्स लेस देन वन देन राइट साइड पे एक्स ग्रेटर देन सबसे पहले फंक्शन लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है के प्लस टू राइट देन लेफ्ट हैंड का फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस वन देन राइट हैंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस वन राइट सो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करेंगे कि ऑफ प्लस टू राइट देन यहाँ पे लेफ्ट हैं हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो आप देखोगे तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन जो न्यूमिनेटर में है उसके फैक्टराइजेशन होंगे राइट right? तो हम सबसे पहले वो कर लेते हैं कि टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू फैक्टराइजेशन क्या होगा टू एन वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू इन टू वन टू हो जाएगा टू के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं कि जिसे हम माइनस करेंगे जिसका सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें माइनस वन मिलेगा तो उसके दो फैक्टर वन एंड ही होंगे राइट वन एंड टू हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस वन चाहिए तो जो बड़ी वैल्यू है उसे माइनस साइन लेंगे वन के आगे प्लस लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन राइट फर्स्ट डोटम एंड सेकंड लास्ट दो तो टर्म को लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा एक्स सो टू एक्स प्लस वन माइनस साइन कॉमन निकलेगी देन माइनस वन वन एक्स एक्स प्लस प्लस टू सो कॉमन ब्रैकेट हमें मिलेगा टू एक्स प्लस वन इंटू सेकंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स माइनस वन राइट तो इसका फ्रैक्टराइजेशन हमें क्या मिला टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इसको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे यूज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे सो so यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन हमें मिला है कि टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस वन सो एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन कैंसल सो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन टू एक्स प्लस वन एक्स टेंस टू वन है तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे सो टू इंटू ब्रैकेट वन प्लस वन सो टू वन जो टू प्लस वन इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली थ्री देन राइट हैंड लिमिट पे आएंगे की लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस सॉरी यहाँ पे ही नीचे ही लिख देते हैं इसके साथ की लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फैक्टराइजेशन मिले टू एक्स प्लस वन एन एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस वन सो एक्स माइनस वन कैंसल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस टू एक्स प्लस वन सो इक्वल टू टू इन टू ब्रेकेट वन प्लस वन सो टू प्लस टू इक्वल टू थ्री राइट सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू थ्री एंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो थ्री सो फंक्शन क्या है यहाँ पे कि एफ वन इज इक्वल टू के प्लस टू बट हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन राइट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन सो फंक्शन कंटिन्यूअस है राइट फंक्शन कंटिन्यूस हिथ सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द बोथ लिमिट आर आल्सो सेम राइट सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equal to one x is equal to one so so f of one so f of one equal to limit x tends to one plus x tends to one plus f of x equal to limit x tends to 1 minus एफ ऑफ एक्स इन दोनों की वैल्यू हमें क्या मिली थ्री सो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है ऐसा हमें एग्जाम्पल में दिया हो तो यहाँ पे एफ वन की वैल्यू भी थ्री होगी सो ऑल्सो इक्वल टू थ्री राइट सो हम क्या करेंगे देर फॉर एफ ऑफ वन इक्वल टू थ्री अब एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है के प्लस सो so, यहाँ पे पुट करेंगे देर फोर के प्लस टू इक्वल टू थ्री देर फोर के इज इक्वल टू तो यहाँ पे प्लस है दूसरी साइड लेके जाएंगे साइन चेंज होगी माइनस right? तो देर फोर के इज इक्वल टू वन राइट तो के इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिली वन ओके देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एक्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू ओके एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर राइट देन एफ एक्स इज इक्वल टू टू के माइनस थ्री वेन एक्स इज इक्वल टू फोर फोर वॉट वेल्यू ऑफ के दंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फोर राइट तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया वैसा ही एग्जाम्पल है कि हमें वैल्यू ऑफ द के फाइन करनी है बट हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी दे दिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फोर राइट तो सबसे पहले लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू Two K minus three when X equal to four. Right? Four. What value of K? The function is the function is continuous. एफ एक्स इज इक्वल टू फोर राइट तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइन करनी है कि जब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू फोर के आगे कंटिन्यूस है सो so, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर की कंडीशन क्या है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर

फंक्शन ओके इक्वल टू फोर हमारा फंक्शन होगा देन एक्स लेस देन फोर है तो वो हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट नेक्स्ट एक्स मोर देन थ्री है तो वो हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट ओके तो सबसे पहले सेंटर पे ये फंक्शन लिखेंगे लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट का फंक्शन लिखेंगे एंड राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट का फंक्शन लिखेंगे ठीक है सो so, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फोर के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इक्वल टू फोर एक्स लेस देन फोर एक्स ग्रेटर देन फोर ओके सेंटर पे फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू के माइनस थ्री देन लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर धेन यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर ओके सबसे पहले सेंटर पे एफ एक्स पे जाएंगे x इज इक्वल टू फोर के लिए चाहिए तो f ऑफ फोर सो f ऑफ फोर इक्वल टू टू के माइनस राइट देन अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट x इज इक्वल टू फोर के लिए है लिमिट एक्स टेन्स टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू फोर माइनस एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर राइट सो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व तो इसका फैक्टराइजेशन लेना है तो फर्स्ट वन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे वन एंड ट्वेल्व वन ट्वेल्व जै ट्वेल्व देन ट्वेल्व को ट्वेल्व के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिसे हम सब्सक्रेक करेंगे तो हमें माइनस वन मिलना चाहिए राइट तो ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या होंगे वन ट्वेल्व जै ट्वेल्व टू सिक्स जो ट्वेल्व एंड थ्री फोर जा ट्वेल्व अगर दोनों को माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पे वन को ट्वेल्व में से माइनस करेंगे इलेवन टू सिक्स है फोर थ्री फोर है वन राइट तो ट्वेल्व के दो फैक्टर्स क्या होंगे एक तो थ्री एंड सेकंड फोर लेकिन हमें साइन क्या चाहिए मिडल की माइनस माइनस साइन चाहिए तो यहाँ पे मैक्सिमम थ्री एंड फोर है तो मैक्स वैल्यू फोर है तो उसे माइनस साइन लेंगे एंड यहाँ पे थ्री के आगे प्लस साइन लेंगे ठीक है तो उसका एक फैक्टर क्या होगा एक्स प्लस थ्री एंड सेकेंड फैक्टर होगा एक्स माइनस राइट हम यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर क्यों पुट कर रहे क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो ओनली एक्स स्क्वायर है ओके अगर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर या फिर कोई दूसरी वैल्यू होती x की जगह अनदर वैल्यू तब हम क्या करते कि हमें जो स्टेप बाय स्टेप है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती लेकिन यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे उसके फैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हैं तो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस फैक्टर्स क्या हुए उसके एक्स प्लस थ्री ने एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस फोर अपन एक्स माइनस फोर राइट सो एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस फोर कैंसर सो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस एक्स प्लस थ्री राइट सो एक्स टेंस टू फोर है टू so, एक्स की जगह पे फोर पुट करेंगे सो इक्वल टू फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे सेवन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व उसके फैक्टराइजेशन लेने हैं लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू फोर प्लस एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपन एक्स माइनस फोर न्यूमिनेटर के फैक्टर फाइंड करने हैं सो so, यहाँ पे हमने वो फैक्टर फाइन की इंटू ब्रैक फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस फोर राइट तो वो पुट करेंगे कि इक्वल टू लिमिट X tends to four plus. The x plus three into second bracket x minus four right upon x minus four. So x minus four and x minus four cancel. So equal to limit. X tends to four plus x plus three. राइट right? अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंस टू फोर है तो एक्स की जगह पे फोर पुट करेंगे तो इक्वल टू फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री सेवन राइट तो हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली सेवन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो सेवन यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फोर फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू फोर के आगे सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहाँ पे सेवन होगी राइट right? तो यहां पे लिखेंगे कि इन एग्जाम्पल द फंक्शन द फंक्शन इज

फोर प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब तीनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिली सेवन सो एफ ऑफ फोर वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होगा सेवन होगा राइट तो इक्वल टू हो जाएगा सेवन यहां पे एफ ऑफ फोर हमें मिला सेवन सो यहाँ पे क्या लिखेंगे नाउ एफ ऑफ फोर इक्वल टू सेवन राइट अब सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पे आएंगे वहां पे एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू क्या है टू के माइनस थ्री सो लास्ट में जो हमें एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू सेवन मिला है उसमें हम एफ ऑफ फोर की जगह पे टू के माइनस थ्री पुट करेंगे ओके okay? तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ फोर की जगह पे हम टू के माइनस थ्री पुट करेंगे देर फोर टू के माइनस थ्री इक्वल टू सेवन right? राइट अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है टू के के साथ माइनस थ्री है जो माइनस थ्री है उसे इस साइड लेके जाएंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा इसकी जो साइन है वो चेंज होगी यहाँ पे क्या है माइनस थ्री है उसे इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री राइट सो देर फोर टू के इज इक्वल टू सेवन माइनस साइन है साइन चेंज होगी सो प्लस थ्री देर फोर टू के इज इक्वल टू सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन सो देर फोर के इज इक्वल टू के के साथ टू मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइडेड में होगा कि टेन अपन टू राइट तो यहाँ पे फाइव टू जार टेन हो जाएगा सो के इज इक्वल टू फाइव टू जेन सो के इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी फाइव राइट सो कि फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फोर देन हम हमें के की वैल्यू मिलती है के इज इक्वल टू फाइव राइट हमें वैल्यू फाइन करने के लिए बोला था कि फा फोर व्ट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फोर राइट तो के की वैल्यू हमें क्या मिली के इज इक्वल टू फाइव ओके